सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिटरिज्म यूएसए। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? अचानक से मुंबई में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से शूट बंद हो गए, और बालवीर रिटर्न कहीं ना कहीं जो शूट हो रहा था उसके भी जो लेटेस्ट एपिसोड हो सकते थे देखने मिल सकते थे, वो आप देखने नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, ये जो ऑल ऑफ अ सडन जो ये ब्रोक हुआ है? नहीं, ये तो इसकी जानकारी थोड़ा सा फेब्रुआरी से ही मिलने लगी थी, सब जगह फैल रहा था। आई थिंक फेब एंड से ही कि ऐसा कुछ फिर से आ रहा है, मतलब फैल रहा है थोड़ा सा इन्फेक्शन। और हम लोग को थोड़ा सा इंटीमेशन मिल गया था कि शूट शायद मतलब लॉकडाउन हो सकता है, और लॉकडाउन बहुत जरूरी भी था क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये जो बढ़ रहा है इन्फेक्शन, तो उस हिसाब से तो जरूरी था। तो हम लोगों ने काफी एपिसोड शूट भी कर लिए है, एडवांस में शूट करके रेडी भी है। लेकिन अभी कुछ पिछले हफ्ते में आई थिंक 2 एपिसोड कुछ टेलीकास्ट नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से कुछ, तो वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे क्योंकि आई थिंक ऑफिसेज भी बंद है ना, तो शायद वो टेलीकास्ट में इश्यू हो सकता है उनको, चैनल का ऑफिस बंद है इसके लिए। लेकिन जल्दी हम लोग मिलेंगे फैंस को नए एपिसोड्स के साथ, फ्रेश एपिसोड्स के साथ। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये जो 15 दिन के जो शूट के लिए मनाही की गई है, आपको लगता है कि जो 1 मई से वापस से चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, एकदम से आना जाना शुरू हो जाएगा, शूट के लिए परमिशन मिल जाएगी? हाँ, शूट तो करेंगे ही हम लोग, वो तो तय ही है। अभी थोड़ा सा अलग दौर है, अभी घर में रहना बहुत जरूरी है एक्चुअली, थोड़ा सा खुद को सेफ करना जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग अगर सेफ रहेंगे तो फिर हम लोग शूट को जा पाएंगे और पब्लिक को एंटरटेन कर सकेंगे। तो सबकी सेफ्टी भी जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो जल्दी जो भी है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग उसको उसको फॉलो भी करेंगे। और आई थिंक जैसे ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हमको परमिशन दे देगा, फिर हम लोग शूट पे जाएंगे। वैसे फिर से वही शूट चालू हो जाएगा, फिर और नए नए एपिसोड्स आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, आपने देखा होगा पिछले साल जैसा ही पूरा सिनारियो इस बार भी हो गया है। मतलब लाइक जैसे पिछले साल मार्च और फेब के बीच में बहुत ज्यादा ही घमासान था कि कहीं ना कहीं कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, कभी भी चीजें ऐसी आ सकती है, और वही चीज हुई, और उसी तरीके का माहौल अभी भी बन चुका है। मतलब अप्रैल में भी हो चुका था। तो क्या कहना चाहोगे, लाइक 360 डिग्री वापस से इतिहास वही दोहराया गया है? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मतलब देखो सिचुएशन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट फेज है। बेसिकली क्या है कि हम लोग भारत देश की आबादी भी बहुत ज्यादा है ना, और खासकर मैं जहाँ पे रहता हूँ मतलब महाराष्ट्र में मुंबई में, उसकी तो आबादी बहुत है, तो मतलब डेंसिटी ज्यादा है, लोग काफी क्राउडेड जगह है, ऐसा नहीं है कि खुला गांव है, तो काफी कनेक्टेड जुड़े हुए लोग हैं। तो काफी लोगों में मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस नहीं है, वो लोग जागरूक नहीं है। तो मतलब अभी पिछला लॉकडाउन जब हुआ था, बाद में सब खुल गई चीजें, मॉल्स खुल गए, ट्रेन खुल गई, और लोग काम पे बाहर आने लगे, तो उनको थोड़ा सा डर ना उनका खत्म हो गया है, तो उनको थोड़ा सा यकीन नहीं है मतलब ऐसी कोई चीज है या नहीं है, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है, और उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है। जो ईमानदार लोग है, जो लोग लिटरली फॉलो करते हैं मतलब प्रिकॉशंस लेते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी गवर्नमेंट तो इसके लिए मतलब अभी तैयार तो है, थोड़ा सा हेल्थ इंडस्ट्री पे, थोड़ा सा डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे थोड़ा सा लोड प्रेशर बहुत आ गया है, मतलब हैट्स ऑफ उनको तो मैं कहना चाहूंगा, मतलब जो वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो भी हमारे सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, ये जो ऐसे हालत में भी हम लोग को सर्विस दे रहे हैं, हम लोग तो हमारे घर में बंद है। हो जाएगा, ये भी दौर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हर एक ये भी चीज कुछ ना कुछ सिखा के चली जाएगी हर इंसान को। हम लोग भी कुछ सालों के बाद बोलेंगे हमारे पोतों को कि ऐसा अच्छा, एक दौर आया था। वैसे हर हर दौर कुछ ना कुछ तो सिखाते
सीखा के चला जाता है, बस सीखना है। फिलहाल तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज भी है कि सब लोग घर पे हैं फैमिली के साथ में। आजकल मुंबई का लाइफ इतना फास्ट है ना, तो लोगों को टाइम नहीं मिलता है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा सा इश्यू है, पैसे अगर काम बंद है तो पैसे नहीं आ रहे, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है थोड़ा सा। घर पे बैठो, टीवी देखो, उनके साथ बातें करो, कुछ गेम्स खेलो, किताबें पढ़ो, खुद की हेल्थ बनाओ। काफी सारे गोल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर उसको पॉजिटिवली, अगर गोल फोकस शिफ्ट करे तो, नजरिया अगर बदले तो, ऐसा ऐसा बिल्कुल मेरा सही मानना कहा है। सर आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, डेफिनेटली जिस तरीके से लॉकडाउन की उथल पुथल हुई थी, तो पिछली बार भी कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा बदली गई थी। हर शो में कम लोगों के साथ काम करना था, तो बहुत सारे कैरेक्टर हटा दिए गए, बहुत कुछ मतलब अलग अलग तरीके की चीजें कंसेप्ट लाए गए। और इस बार भी सीजन 2 आया है बालवीर का, तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, वो कितना डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हमने प्रोमोस देखे जिसमें देव के बहुत सारे लुक भी है और वो बहुत अलग इस बार कुछ करने वाले हैं जो वो प्रीवियसली नहीं कर रहे थे शो के लिए, और वो इस बार कुछ अलग ही 6-7 रूप है उनके साथ, 7 कैरेक्टर्स डिफरेंट तरीके से निभाने वाले हैं। हाँ, नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जो ये सीजन आया है, सीजन 2 बालवीर रिटर्न्स का, वो बेसिक कंसेप्ट ये है कि वो बोलते हैं ना कि एक इंसान के 7 हमशक्ल इस ब्रह्मांड में होते हैं, तो वहां से थोड़ा सा वो इंस्पायर्ड है वो थॉट से। और देव के अलग अलग कैरेक्टर्स, देव का एक ऑलरेडी पॉजिटिव हमशक्ल है जिसका नाम हैप्पी पांडे है, वो धरती लोक पे रहता है। और एक विलन है हमशक्ल, उसका नाम है काल। तो काल का मकसद है कि बाकी हमशक्लों को धीरे धीरे करके खत्म करना। और नई फैमिली भी एक इंट्रोड्यूस हो गई है, हैप्पी की फैमिली भी है, तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा एक फ्रेश अलग लुक भी है, मतलब नए किरदार है, नई स्टोरी है, फिर नया माहौल है, कानपुर का माहौल दिखाया है पूरा। और फिर काल की जो दुनिया है, तो ग्राफिक्स अलग है, विजुअल्स अलग है, कैरेक्टर्स अलग है। मेरा भी एक अलग किरदार आया है काल के साथ। अभी पहले तोबा तोबा था, तोबा तोबा अभी अभी भी है, पब्लिक को मैं बताऊं, जल्दी आएगा वो तोबा तोबा। और उस जो नया कैरेक्टर आया है काल के साथ, वो मौका मौका है वैसा, तो मौका मौका, तोबा तोबा भी है और मौका मौका भी है डुबा डुबा दर्शकों भी को। था हाँ, डुबा डुबा भी है, मतलब अभी मैं देखा जाए तो डूबा डूबा, तोबा तोबा और मौका मौका, 3 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ बालवीर रिटर्न्स में, ऐसा बोल सकते। अच्छा आप कितना एंजॉय करते हैं इसे निभाना, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस शो को और बहुत ही बखूबी से आपको तीनों ही इसमें एक्सेप्ट किया गया है, और आपकी एक्टिंग तो कहने की बात ही नहीं है, मतलब स्क्रीन पर वो दिखकर आती है कि लाइक लोग ना चाहते हुए भी पेट पकड़ के हंसेंगे, उस तरीके का आपका किरदार होता है, चाहे वो आप काल लोग के लिए कर रहे हो, वीर लोग के लिए कर रहे हो, या फिर अब जो मौका मौका बने हैं आप उसके लिए कर रहे हो। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है, मतलब मैं तो 2012 से ये शो कर रहा हूँ बालवीर। पहले बालवीर था, 2012 से लेके 2016 तक हम लोग ने 4 साल कुछ किया था, 1100 एपिसोड्स कुछ किए थे। फिर आई थिंक 1.5-2 साल का हम लोग ने कुछ ब्रेक लिया था, पर बाद में ह्यूज पब्लिक डिमांड इतनी थी कि चैनल को वो शो हमारा फिर से रिवाइव करना पड़ा बालवीर रिटर्न्स के नाम से। तो मेरे को तो बहुत मजा आता है, और एज एन एक्टर मतलब ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर करते हुए, फिर अलग अलग शेड्स है, तो एज एन एक्टर अलग अलग कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है। तोबा तोबा करने में अलग शैतानी है, मतलब उसका बोलने की ढब अलग है उसका, और उसकी चाल अलग है, डूबा डूबा का अलग है, तोबा तोबा का नेचर अलग है, डूबा डूबा का अलग है, मौका मौका अभी जो आया है उसका बोलने का तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है। तो एज एन एक्टर मेरे को तो बहुत मजा आता है। और मैं दर्शकों को, मतलब फैंस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मतलब वो प्यार अब तक बरकरार रखा है। मतलब अभी बालवीर मतलब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे तो काफी एशियन कंट्रीज से भी फोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं रोज के, मेरे मुझे 50 से 100 वीडियो कॉल और मैसेज आते रहते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, यूएस है, कनाडा है, लंदन है, दुबई है, मस्कत है,
ऑल ओवर द कंट्री में बालवीर मतलब लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और उनके जो कमेंट्स आते हैं और उनका जो फीडबैक आता है वो मतलब सुनकर देखकर तो मतलब मजा आता है कि मतलब कुछ कर रहे ऐसा लगता है एज एन एक्टर वैसा। अच्छा, जिस तरीके से तिमनाशा का अंत दिखा दिया था, तो क्या सच में तिमनाशा का अंत हो चुका है एकदम से सीरीज में? अभी मैं कुछ बातें नहीं बोलना चाहूंगा कुछ बातें वो आएंगी आएंगी कुछ, अभी कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ चीजें होंगी स्टोरी में, थोड़ी चेंजेस की है, सीजन बदला है, तो उनका तो कमबैक होगा तो कुछ अलग तरीके से होगा, एकदम ग्रैंड लेवल पे कमबैक होगा। अभी कुछ बातें हमें पता नहीं रहती, वो क्रिएटिव लेवल पे जो स्क्रिप्टिंग करते हैं हमारे हमारा जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उनको पता है, लेकिन आएंगी वो लोग, वो आएंगी, तिमनासा आएगी। अच्छा, हमने हमेशा सेट पर देखा है आप लोगों की जो एक काल लोक वालों की जो जोड़ी थी, चाहे वो रण विजय हो या फिर अतुल हो, अभी शोएब को भी देखा हमने, या फिर मतलब आप लोगों का जो एक कहीं ना कहीं ट्यूनिंग था, जो बॉन्ड था, वो ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी बहुत ज्यादा ही ग्रैंड था, क्योंकि हम देखते थे हमेशा आप लोग साथ में बैठना, मस्ती करना, हंसी मजाक करना, तो वो अभी फिलहाल अगर तिमनाशा नहीं है तो कितना मिस कर रहे थे बीच में जब वो उनका कैरेक्टर खत्म कर दिया था। हाँ नहीं मिस तो मतलब हम लोग ऑन स्टेज अभी ऑन फ्लोर अभी मिल नहीं रहे, लेकिन हम लोग कनेक्टेड है, हम लोग की बातें होती रहती है फोन पे वीडियो कॉल पे। और कालोक वालों की मतलब अलग अलग ही गैंग है, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं हम लोग शूट कर रहे, हम लोग रोज आते हैं मस्त सुबह 8 साढ़े 8 बजे तैयार होते कपड़े उपड़े पहन के, और मस्ती मस्ती में सीन शूट हो जाते हैं, फिर ड्यूरिंग द सीन्स हम लोग मस्तियां करते हैं, सीन्स के अंदर भी मस्तियां होती है, कब सीन खत्म होते हैं और कब दिन खत्म होता है पता ही नहीं चलता। वो हम लोग का ऑफ स्क्रीन जो बॉन्डिंग है वो हमें बहुत मतलब मुझे तो बहुत काम आता है एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन, तो ऐसे करके मस्ती करते रहते हम लोग मजा आते रहता हमने देखा है है। पवित्रा, तो आपसे सबसे ज्यादा मतलब आप दोनों की ट्विनिंग बहुत ज्यादा ही होती है, तो ये हाँ बॉन्ड मतलब ऑर्गेनिकली कैसे डेवलप हुआ, किसने मतलब सामने से पहले जाकर मतलब बातचीत की, या फिर ऐसा कुछ जब आप लोग इनिशियली फर्स्ट टाइम मिले थे तब? हाँ नहीं इनिशियली हम लोग के वर्कशॉप्स हुए थे जब ये लास्ट ईयर 2019 में कुछ शुरू हुआ था बालवीर रिटर्न, तो हम लोग वर्कशॉप के दौरान, और हम लोग आई थिंक दूसरे तीसरे दिन से ही चालू हो गए थे। पवित्रा जी तो मतलब वो तो पूरा एकदम स्ट्रेट है, उनका बात करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो भी है मुंह पे बोल देती हो, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं रखती। फिर तो डे आई थिंक दूसरे तीसरे दिन से हम लोग की मस्तियां शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे सीन शूट होते गए तो वैसे हम लोग का एक अभी रिश्ता बन गया, मतलब हम लोग की एक फैमिली बन गई है, तो हम लोग क्या है पूरा दिन अगर सेट पे बिताते हैं तो जब शूट भी नहीं रहती हम लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अभी भी हम आदित्य से कनेक्टेड हूँ, पवित्रा जी से भी कनेक्ट, अभी उनका बर्थडे भी गया अभी 2 दिन पहले, तो हम लोग की बात भी हुई थी वैसे, तो शूट के दौरान तो मिलते ही हैं, शूट नहीं रहता तो भी हम लोग कनेक्टेड है ही वैसे, ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब फैमिली जैसी बन गई इसके लिए। अच्छा, देव और वंश की बात करो तो उन दोनों के साथ आपका एसोसिएशन ऑफ स्क्रीन कैसा है? ऑन स्क्रीन तो हमने देखा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हमको नहीं पता कि आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। देव को तो पहले से जानता हूं मैं, मतलब देव को आई थिंक 7-8 सालों से जानता हूँ, क्योंकि पहले सीजन से हम लोग साथ में हैं। देव जब आई थिंक 12 साल का था तब उसने शुरुआत की थी बालवीर में, तो तब से मतलब बचपन से लेके अब तक उसका मैंने ग्रोथ देखा है, एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया वो लड़का, मतलब उसके पेरेंट का तो बहुत मतलब बड़ा आशीर्वाद है, बहुत सपोर्ट है उसको। रही बात वंश की, वंश वंश तो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत क्यूट लड़का है, बहुत एंतु है, एंतुजियास्टिक है लड़का, मेहनती है, मतलब उसको मैं देखते रहता हूँ जब सीन शूट करते तभी उसका जो जो भी है वो मेहनत के साथ समझ के जो डायरेक्टर बोलते हैं वो पूरा ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ करता है, बहुत ही क्यूट लड़का है, बहुत ही ईमानदार लड़का है वंश। अच्छा, परियों में काफी बदलाव आए, एक दो परियां तो शायद चली भी गई है,
तो क्या कहना चाहोगे, उनसे भी कभी कभार बात होती है, क्योंकि आप लोगों के सीन्स ज्यादा साथ में होते नहीं है ना। नहीं अभी सबसे बात नहीं होती है मेरी। अभी तो जो अभी क्या होता है कि ये हम लोग के हाथ में नहीं रहता, जो क्रिएटिव डिसीजन है, चैनल का डिसीजन है, फिर हमारा प्रोडक्शन का डिसीजन है, तो कुछ अकॉर्डिंग टू ऑडियंस का टेस्ट और टीआरपी रेटिंग्स, कहानी में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं कि क्या चल रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर किरदार किसी को ज्यादा पसंद है, इसमें थोड़ा सा होते रहता है उसे। लेकिन ऐसा कुछ कनेक्टेड तो हूँ सबसे, ऐसा कुछ ये नहीं है। पहले की परिया भी थी आई थिंक, कृतिका से अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। कृतिका भी आई थिंक कोई साथ नहीं बना, साथिया कर दिए शायद, तो आई थिंक वो अच्छा भी, मैं देखते रहता हूँ उसके अपडेट फेसबुक पे, तो कनेक्टेड तो है ही सब सबसे। अच्छा, अभी फिलहाल शूट नहीं हो पा रहे तो वो कितना मिस करते हो आप, क्योंकि एक डेली रूटीन बन जाता है किसी भी एक्टर के लाइफ में, उन्हें डेली सेट पे जाना, फिर सीन्स करना, फिर घर पर आना। वैसे तो आपके लिए अचानक से, क्योंकि ये न्यूज़ ब्रोक हुई थी, भले पता पहले से था, थोड़ा बहुत लोगों को अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे कैसे मैनेज कैसे कर रहे हो उस दौरान में भी? ये अभी अभी के दौरान लॉकडाउन के, हाँ नहीं वो तो अभी देखिए, ये तो एक बार तो इसकी रिहर्सल हो चुकी है पिछले साल। पिछले साल तो 3 महीने कुछ, आई थिंक मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का करेक्ट करेक्ट। लॉकडाउन था। तो ये अभी तो यूज्ड टू हो गए, ये तो ये न्यू नॉर्मल जो आया है अभी सो कॉल्ड, तो ये लाइफस्टाइल अभी हम लोग को एडॉप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दीज आर एक्सटर्नल चीज, ये अपने हाथ में नहीं है। ये जो वायरस है या फिर जो भी सिचुएशन अभी पैंडेमिक सिचुएशन आई है, ये बाहर से आई है, तो इस पे हम लोग का कंट्रोल है ही नहीं। मतलब हमारा कंट्रोल तो सिर्फ सिर्फ अपने आप पे है, हमारी लाइफ पे है, हमारी फैमिली पे है। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते करना चाहिए बस, बाकी बाकी तो अभी है, घर पे ही है। तो मैं तो फिर बुक्स पढ़ते रहता हूँ, या फिर एक्टिंग की किताबें पढ़ते रहता हूँ, या फिर वेब सीरीज देखते रहता हूँ, फिल्में देखते रहता हूँ, लोगों से बातें करते रहता हूँ। यही दौर है जो लोगों से बातें करने में मतलब मजा आता है। मतलब सब सब खाली है, सब घर पे बिल्कुल है, किसी को कहीं जाना नहीं है, बिंदास फोन कर सकते हैं और घंटों तक तो बातें कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं क्या चल रहा है। तो उससे एक एक बॉन्डिंग भी अच्छा हो गया है, शेयरिंग भी होने लगी है। कोई कोई बंदा अगर स्ट्रेस में है तो फोन कर लेने का, डायरेक्ट मैं फोन कर लेता हूँ। मतलब मेरे जो कॉलेज के दोस्त है, हम लोग का ग्रुप है, अभी के जो दोस्त है सीरियल के, उनसे फोन पे बात ही होती है, शेयरिंग होता है, थोड़ा स्ट्रेस हल्का हो जाता है अच्छा, ऐसे आप सब। लोगों को, हाँ यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ नहीं ऐसे ही है, बोलिए ना, मेरा हो गया। पता चले कि कब वापस से रिस्टार्ट करेंगे, क्या उनके तरफ से कभी कोई बातचीत, कोई बयान? नहीं अभी तक तो हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, मेरे ख्याल से 15 डेज का है शायद, 20 तारीख से, तो 2 या 4 मई तक का कुछ है लॉकडाउन। तो मेकर्स ने हम लोग को वही बोला है कि उसके बाद हम आपको बोलेंगे, 2-3 दिन पहले बोलेंगे इनिशियली कि कैसे करना है शूट, कहाँ करना है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अभी क्या सिचुएशन क्या इम्प्रूव होती है, कैसे होती है उसकी, अभी ये हम लोग के हाथ में नहीं है। तो अपनी गवर्नमेंट तो उसके लिए मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी पुलिस पुलिस वाले, डॉक्टर्स, ये तो एक्सटर्नल चीज है। अभी जैसी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे हम लोग शूट पे जाएंगे, बस वही फिर शूटिंग चालू हो जाएगी। अच्छा श्रीधर जी, इससे हटकर एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ में एक्टिंग कब ऐसा करियर बन गया? मतलब कैसे आपने शुरुआत की, या कब आपको ऐसा लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है, एक्टिंग में ही जाना है? हाँ एक्टर बनना है एक्चुअली, मैं कॉलेज में था, मतलब मैं मुंबई में बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो चिनाई कॉलेज में मैं पढ़ता था, अंधेरी ईस्ट में मुंबई में है। तो वहां पे मैं इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में पार्ट लिया है मैंने, मतलब अलग अलग फेस्टिवल में जाके, जैसे इप्टा कंपटीशन है, कॉपवुड है,
आईआईटी है, आईएनटी है, तो वहां पे एज एन एक्टर हम लोगों ने वन एक्ट प्ले का कंपटीशन किया है। तो ये एक्टर का जो जर्नी है वहां से शुरू हो गया। ये कीड़ा मतलब कॉलेज के दिनों में ही काटा था, और वो ऐसा काटा कि मतलब अब तक तो पूरा नस नस में भींग गया है। फिर बाद में मैंने कमर्शियल थिएटर किया, गुजराती थिएटर किया, हिंदी थिएटर किया मैंने। मैंने गुजराती थिएटर मैंने किया है, दिलीप जोशी सर जो अभी तारक मेहता में है ना, जेठालाल जी, उसका उनका किरदार करते हैं, तो उनके साथ मेरा पहला कमर्शियल प्ले था गुजराती। फिर मैंने हिंदी में एक प्ले किया था परेश रावल जी के साथ, 3 साल कुछ किया था उनके साथ। 3 साल के दौरान मैंने कुछ आई थिंक 100-150 शोज किए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका टूर किया था। तो वहां से जर्नी शुरू हो गई एज एन एक्टर। फिर बाद में, फिर 7-8 साल थिएटर करने के बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं अभी थोड़ा सा मीडिया पे फोकस शिफ्ट करते हैं। फिर बाद में मैंने फिर फिल्में करना शुरू किया। मैंने नसीर भाई के साथ एक फिल्म की थी माइकल, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद में मैंने एक असित मोदी सर का, जो तारक मेहता के मेकर्स, उनका एक शो किया था सोनी पर, कृष्णाबेन खाकरा वाला, वो 7-8 मैंने किया। फिर उसके बाद में मुझे ऑप्टिमिस्टिक से कॉल आया बालवीर के लिए, और अभी तो ऑप्टिमिस्टिक से जुड़ा हुआ है। बीच में एक फिल्म भी की थी जब पिछला बालवीर थोड़ा सा बंद हो गया था, धड़क की थी, धर्मा प्रोडक्शंस की, करण जौहर जी ने डायरेक्ट किया, मतलब प्रोड्यूस की थी, शशांक केतन जी ने डायरेक्ट की थी, ईशान था, जानवी थी। तो धड़क के बाद फिर से बालवीर रिटर्न शुरू हो गया। तो ऐसी ओवरऑल जर्नी है, मतलब 2000 एक से जुड़ा हुआ है, मतलब ये इंडस्ट्री से, तो मतलब देखा जाए तो 20-24 साल हो गए इंडस्ट्री में, इतना बड़ा है ऐसा एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर। वेरी नाइस पर कभी ऐसे कुछ रिजेक्शन या कभी कोई इस तरीके का कि अरे आप एक्टिंग नहीं कर सकते ऐसे कभी सुनने मिला अपने लिए या फिर आपको बिना चेक किए बिना आपका परफॉर्मेंस देखे हुए कभी आपको जज कर लिया गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस या फिर ऐसा कभी ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, रिजेक्शन तो होते रहता है एक्टर के लाइफ में, रिजेक्शन तो पार्ट है, मतलब वो तो कोई भी, कितना भी छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को ऑडिशन देनी पड़ती है, या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें अगर सामने वाले को, मतलब प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को, वो कैरेक्टर नहीं लगा, भले कितना भी काम किया हो एक्टर ने, अगर उसको स्क्रिप्ट के हिसाब से वो कैरेक्टर एक्टर नहीं जम रहा है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे रिजेक्शन तो वो है, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो ये तो हमारे प्रोफेशन का और इंडस्ट्री का नेचर ही है, पार्ट है, तो उसमें कुछ अलग बात नहीं है, तो ये तो चलते ही रहता है। वो तो अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं छोड़ा है रिजेक्शन ने, मतलब बड़े लेवल पे उनको, तो उनके लाइफ में भी एक फेज आया था कि समथिंग कुछ उनके पास कुछ फिल्में नहीं चल रही थी, कुछ एक दौर था, फिर बाद में अचानक उनको एक कमबैक आ गया, केबीसी मिल गया, केबीसी से एक नए अमित जी देखने को मिले दुनिया को। तो वही है, मेरे लाइफ में भी है, रिजेक्शन तो आए हैं और अभी भी आते हैं, कुछ ऑडिशंस अभी भी फिल्मों की आती है, तो उसमें मतलब जी जान लगा के ऑडिशन देता हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें रहती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, वो मैच नहीं होती, तो कोई बात नहीं, तो चलते रहता है, जर्नी अच्छा है। लेकिन हाँ तो ट्रू अच्छा लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ पूछूं तो जैसे हर हर कोई की लाइफ में कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होता है एक बैकबोन होता है तो आप किसको अपना स्ट्रेंथ मानते हो या खुद के अंदर ऐसी कौन सी चीजें कौन सी काबिलियत है जिसे आप अपना स्ट्रेंथ मानते हो जिसे आप आगे पुट थ्रू करके और ऐसा कह सकते हो कि मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ तो मतलब है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है खुद पे, अभी इतना इतने साल काम करने के बाद कुछ चीजें समझ में आई है कि मतलब ये हम कर सकते हैं, तो वो सेल्फ मोटिवेशन वाला ही है चक्कर। हाँ, परिवार का सपोर्ट है, माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान का भी आशीर्वाद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या कुछ भी सेल्फ मोटिवेट करती है, वो खींचती है, और यही है स्ट्रेंथ, बाकी कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं है। इनिशियल इनर कॉन्फिडेंस ही है, इनर बिलीफ ही है, यही है मेरी स्ट्रेंथ, बाकी कुछ ऐसे अलग कुछ नहीं है ऐसा। ग्रेट ओके सो
सो लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें सीजन 2 का रिटर्न प्रो सॉरी सॉरी मैं रिपीट करूँ हाँ सवाल. हाँ रिपीट ओके कीजिए। सो मैं वही कह रही हूँ कि सीजन 2 जो आ रहा है या आ गया है उस चीज को लेकर फैंस को कुछ कहना चाहेंगे कि कितना वो पसंद करने वाले, उनके लिए कितना कुछ नया और अच्छा आने वाला है. हाँ दर्शकों को और मेरे बालवी रिटर्न्स के फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ा पॉज लगाया गया है, पॉज का बटन बालवी रिटर्न में। तो जैसे पॉज का बटन हटेगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग झटके देखने को मिलेंगे बालवी रिटर्न्स में। अभी मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा क्या सरप्राइज में ही मजा होता है, सीक्रेट में ही मजा होता है। तो जल्दी आपको कुछ अलग अलग चीजें और अलग अलग कहानियां, अलग अलग झटके देखने को मिलेंगे। तो मैं फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो दौर चल रहा है, अभी यहाँ पे ऐसे दौर में अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखिए, खासकर मेंटली फिट रखिए, क्योंकि ज्यादा जो बाहर मीडिया के जरिए या फिर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा रिलाय मत कीजिए। जो ऑफिशियल सोर्सेस है उस पर रिलाय कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और भगवान पे भरोसा कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. और आप भी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक होपफुली यू। जल्दी चीजें खुल जाए और जल्दी मिले. थैंक यस यस यस, जल्दी खुलनी है, खुलनी है। ये थोड़ा सा भगवान ने, गवर्नमेंट ने पॉज का बटन दबा दिया है। पॉज का बटन जल्दी यू. रिलीज हो जाएगा और जल्दी प्ले का बटन ऑन हो जाएगा और जल्दी चीजें खुल जाएगी और हम लोग मिलेंगे। थैंक यू अनुराधा थैंक जी, थैंक यू सो मच, यू थैंक यू सो अनुराधा जी, मच. थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक बाय केयर, बाय बाय बाय। बाय 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 बाय. हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ निगम एंड यू आर वाचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए।